हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक इतिहास का लेके आया हूँ, ठीक है। और इसमें जो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। शायद ये क्वेश्चन आपको कई बार मिला होगा, ठीक है, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से नहीं देखे होंगे। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, आपके एग्जाम में कितना ये क्वेश्चन मिला है वो सभी आपके सामने दिखाई दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पुस्तक और एक साइड में है लेखक, ठीक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इस पुस्तक के लेखक हैं बीडी सावरकर। कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो बीडी सावरकर। 1857 यानी 1857 का जो क्रांति हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह पे एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है 1857 यानी 1857। और 1857 इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का लेखक है सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। ये दोनों पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है, यानी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका लेखक है बीडी सावरकर, और 1857 यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी क्रांति के बारे में एक पुस्तक लिखा गया और उस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ सिंह, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हमारे देश के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, यानी भारत के राज्य जो है वह देश के पड़ोसी, कौन कौन देश के पड़ोसी राज्य जो है उसकी सीमा एक दूसरे से अटैच है, यानी जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देश का नाम है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है ये। देखिए सीमावर्ती राज्य जो है जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जितने भी राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, सीमा इनका सटा हुआ है, पंजाब का भी है, राजस्थान का भी है और गुजरात का भी सीमा है। दूसरा है चीन, चाइना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश से इनकी सीमा जुड़ी हुई है। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है, इसकी सीमावर्ती राज्य कौन कौन है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगा है बांग्लादेश का। सब मैप में आप देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं कि कौन कौन राज्य जुड़ा हुआ है। म्यांमार से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल से कौन कौन सा राज्य सीमावर्ती है? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हमारा राज्य जो है बिहार है, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? नेपाल से, उद्देश्य है, और पश्चिम बंगाल। भूटान से कौन कौन राज्य सीमावर्ती है? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और एक है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान देश से कौन से राज्य सीमा बनाती है? तो एक जम्मू और कश्मीर। चलिए अब समझते हैं हम लोग गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। कुछ गवर्नर जनरल होते हैं जिनकी एक अपनी इम्पोर्टेंट नीति होती है, और उस नीतियों के उपलक्ष में, मतलब उसका डेट के साथ भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी नीति थी, ठीक है। तो सबसे पहले है गवर्नर जनरल वर्ष और नीति, यानी कौन कौन से गवर्नर जनरल हैं, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी और वो टाइम जो था, वह वर्ष जो था वो कब का था, ठीक है। तो वारन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिए, जिसका वर्ष था 1772 ईस्वी में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में
द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में। वहां के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। उसका जनरल गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि के जो वर्ष था वो कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी में हुआ था। और उसके जो गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड ब्लेजली। विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर जो रोक लगा था, तो वो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक। और वर्ष जो था 1829 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था और 1882 ईस्वी में। लॉर्ड डॉफरिन। एक अंग्रेज की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। वहां के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का लेकर आऊंगा, जिसमें आपको छोटे छोटे पार्ट में पूरा इतिहास का जो मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक निचोड़ मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा।